6 महीने का 6 साल का 20 लाख में मैं दूंगी, 20 लाख में वो देंगे। इसरो की जोड़ो पंचायत कागज तुम नहीं देख सकते। हम वो करेंगे जो बिल्कुल सही होगा, दोनों पक्षों की पूरी सुनवाई होगी। हरियाणा में रेवाड़ी के बावल थाना पहुंचे भारी संख्या में किन्नरों ने जमकर हंगामा किया। किन्नरों ने पुलिस पर भेदभाव करने सहित अनेक गंभीर आरोप भी जड़े। वहीं किन्नरों के सामने पुलिस बेबस नजर आई। पूरा मसला किन्नरों के दो गुट के बीच बधाई का क्षेत्र बेचने से जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक किन्नरों के रुखसार गुट की ओर से कुछ दिनों पहले बावल थाना क्षेत्र में दी गई शिकायत में कहा गया था कि ज्योति नाम की किन्नर ने 90 लाख रुपए में बधाई के लिए बावल क्षेत्र बेच दिया, जो कि गलत है। इस पर कार्रवाई करते हुए बावल पुलिस ने दोनों पक्षों को दस्तावेज सहित रविवार को बावल थाने में बुलाया था। दोनों पक्ष पहुंचे भी, लेकिन किन्नरों के ज्योति गुट ने पुलिस पर ही रुखसार गुट का पक्ष लगाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। मेरा नाम है मधु। मधु सीमा गुरु की चेला घासेड़ा से। घासेड़ा से पाए हो यहाँ थाने में? आज अभी अभी आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या पूरा मामला था ये? ये प्रॉब्लम थी, हमने ज्योति से, बावल वाली से, पूरे हिंदुस्तान को पता है कि बावल ज्योति का है, हमने 90 लाख रुपए में खरीदा है। और जो रुखसार है, हमने रुखसार को पहले फ़ोन किया था कि तू बैठ के बात कर ले, पंचायत कर ले, लेकिन रुखसार किसी चीज़ पे राजी नहीं हुई है। ज्योति मजबूर होके, इसने एक महीने पहले हमारे पास वीडियो है, ज्योति के घर पे ताला लगाया, और 6 साल पहले इसने एक मकान है कब्जा कर रखी ज्योति है रुखसार उसके मकान पे, और अभी एक महीने पहले ज्योति के बंदे उठाए। ये खुलेआम गुंडागर्दी करती है। हमने 90 लाख रुपये में बावल ले लिया है, तो फिर अब रुखसार हमें भी धमकी दे रही है कि तुम्हारा भी मर्डर करवा देंगे। और इसी बात को लेकर आज हम थाने में आए थे फैसला करने के लिए, तो रुक हमने बोला हिजड़ापन कर लो, तुम भी अपने 4 भाइयों को बुलाओ, हम भी 4 भाइयों को बुलाएंगे, जो बात होगी। था देखो, हिजड़ों के मैटर कोई भी थाने में पूरे नहीं होते, हमारी बरादरी में होते हैं जी, यही बात है। तो आप बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, कह रहे थे कि पुलिस ने पैसे लेकर जो है पुलिस हमारी कम सुन रही है, उन्हीं की ज़्यादा सुन रही है। क्या वजह लगती है? अब पता नहीं क्या वजह लग रही है। पुलिस वाले बोल रहे हैं कि हमें कागज़ दिखाओ, हमने बोला बाबूजी कागज़ यहाँ नहीं दिखाएंगे, कागज़ दिखाएंगे तो कोर्ट में दिखाएंगे, फिर बरादरी में दिखाएंगे। अच्छा, अब अगर बात कर ले रुखसार की, जो के साथ जो आपकी एक क्या नाम था उसका, चंद्रकला कहती है कि वो उसका चेला था और उसके बिना मर्जी के उसने एरिया बेच दिया इस तरह। नहीं, हमारी बरादरी में क्या है, हमारी बरादरी में चंद्र ने आवाज़ लगा रखी है, हर चीज़ का लेने का देने का हर चीज़ का मालिक ज्योति है। नहीं, वो कहती वो तो चेला है, मालिक तो मैं हूँ। तो एक हमारी बरादरी में जो आवाज़ लग जाती है वही मालिक होता है। उसने आवाज़ लगा रखी ज्योति की, तो ज्योति हर चीज़ का लेने का देने का हर चीज़ का मालिक ज्योति है, और पूरे हिंदुस्तान को पता कौन मालिक है। फिर अब क्या रहा आपकी बातचीत चल रही? अभी कुछ नहीं हुआ, अभी बोला ज्योति जिस दिन आएगी उस दिन फैसला होगा, अभी अगली मीटिंग में हम ज्योति को लेके आएंगे। तो अब क्या लगता है कि पुलिस आपकी सुन रही है आपकी? हाँ, अभी पुलिस को वो समझा रही है, हमें बोल रही है अब तुम्हारी भी सुनेंगे। अब आपको लगता है कि आपको भी न्याय मिलेगा? हाँ, मिलेगा न्याय। 6 महीने का 6 साल का 20 लाख में मैं दूंगी, 20 लाख में वो देंगे। इसरो की जोड़ो पंचायत कागज तुम नहीं देख सकते, हम बरादरी में कागज दिखाएंगे। गलत बोलते बोलो, हम लोगों में सम्मेलन होते बहुत बड़े बड़े, बावल में करो, रेवाड़ी में करो, धारेड़ा में करो, गुड़गांव में करो, दिल्ली में करो, कहीं भी करो ऑल इंडिया, तो तुम भी इसे जोड़ेंगे, वहां देखी जाएगी कागज।
अभी भी यहाँ आने के बाद सर ने चार दिन पहले आपकी यहाँ मीटिंग हुई थी, उसमें ये फैसला आया था अगर दोनों पक्षों को ज्योति को आप बुलाते, आपका जो समाज होगा जो कानून कहेगी उसमें सारा समाज आपका इज्जत करता है जितना भी आपका, तो उसको सम्मान को बरकरार रखो। ये जो है ना जो शिकायत आई आप लोगों की उसकी जांच कर रहे हैं, इस तरह का प्रदर्शन करना एक मिनट में पूरा सुनो वो ना तो सामाजिक तौर पर ठीक है ना ही कानूनी तौर पर ठीक है। हम वो करेंगे जो बिल्कुल सही होगा, दोनों पक्षों की पूरी सुनवाई होगी, जो सही होगा या आपका समाज कहेगा जो सहमति से हम उसको भी मान लेंगे या फिर कानून के अनुसार जो कार्रवाई बनती वो करेंगे। लेकिन मैंने इस चीज़ के लिए बिल्कुल मना करा था आपसे भाई, इस तरह का ना जो मान सम्मान समाज आपका करता है उसमें ये दिक्कत आओगी, गलत है प्रदर्शन। इसलिए आप अपनी बात रख सकते हो, दो दो तीन तीन आदमी मेरे पास आ जाओ, बिस्तर बैठ के सुनाएंगे सारी बात। मेरी बात भी सुनो, मेरी बात मुकेश सर को मैंने सारी बात सुनाती, मैं चुप रहना। मीडिया ट्रायल कराना चाहते हो बैठ के सुनाता।